हेलो, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, यस। यू हैव गिवन द नोट्स ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन ग्रुप गूगल क्लासरूम, दैट इज 11 पेजेस मैम। हाउ टू स्टडी फ्रॉम दैट? इट्स अबाउट नेचर एंड फंक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ क्रिटिक एज वेल। But ma'am, it have lots of done points and how to note down that I'm thinking. नाउ कुछ सी, नहीं, इस साल हम लोग सब लोग की बहुत बात लगने वाली। हाँ, क्या होने वाला है? सी, व्हेन वी वर नॉट नोइंग ना दैट द फाइनल एग्जाम विल बी आल्सो इन एमसीक्यू फॉर्मेट, वी वर आल्सो नॉट टोल्ड इन एडवांस, नो? यस मैम। सो आई मैम हैव लिसन फर्स्ट। सो अर्लियर वी वर नोइंग दैट इट विल बी इन 60 मार्क्स पेपर एज यूजुअल। 60 मार्क्स पेपर यूज टू बी इन डिस्क्रिप्टिव टाइप। इफ आई वुड हैव गिवन यू एमसीक्यू देन यू वुड हैव टोल्ड मी मैडम डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे लिखेंगे एमसीक्यू से, करेक्ट ना? यस मैम। बट अभी मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया है तो तुम लोग उसमें से एमसीक्यू तो हो जाएंगे ना, अगर वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तो, ओके करेक्ट? यस तो इसलिए मैम, मैंने कोई, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। 11 पेजेस से कंप्लीट ही नहीं हो रहा है पढ़ के। अभी वो तो तुम्हें हेलो देखना मैम, है कि तुम्हें कैसे हेलो पढ़ना है। हेलो, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलो। मैम, आपने नोट्स भी दिया, उसका रिटर्न नोट्स भी, तो कौन सा दोनों रिफर करना है? अच्छा, सेम ही है ना? ओके मैम, थैंक यू मैम, तो हम लोग को जरा भी एमसीक्यू नहीं देंगे, कैसे करेंगे मैम? इतने 15 दिन, 10 दिन भी बाकी, 10 दिन है 10 दिन। बट तुम्हें मैंने नोट्स हर टॉपिक के बिगनिंग में ही दे दिए हैं, जैसे जैसे मैं टॉपिक करवाती हूँ वो तुम्हारे पर मैम, मैम वो लेसन। फोन से निकालने को भी तो जमना चाहिए ना, प्रिंट, फिर ये वो, इतना तुम मुझे डिफिकल्ट हो वो जा चुका है। थोड़ा तो दया खाना चाहिए कॉलेज को, हम लोग के ऊपर। कहाँ मैं से कॉलेज, हम अफोर्ड करें मैं प्रिंट? खाली, आई एम वन ऑफ द टीचर ना, आई एम वन ऑफ द टीचर, वट एवर यू वॉन्ट टू से टू कॉलेज। मैम आप भी तो रख सकते हैं ना कि बच्चे बच्चे कैसे क्या कर सकते हैं। सी, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से टू नीता मैम एंड प्रिंसिपल, ओके? आई एम वन ऑफ द टीचर एंड आई गेव यू नोट्स एज सून एज आई कंप्लीटेड द पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर The टॉपिक, things are करेक्ट? not finishing, ma'am. मतलब पढ़ाई करके हो ही नहीं रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है। 24 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं, पूरे वो मुझे, दिन बैठे हम लोग तो भी नहीं खत्म हो रहे। मैं इसलिए तुम्हें, पूछ रहे आपको। ओके मैम, मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना पॉसिबली करती हूँ, हाँ मैम, आपने तो मतलब आप तो एफर्ट डालते हो, वो तो कुछ नहीं है। सब बस। मतलब हमारी सारी टीचर्स एफर्ट डालती है, पर मैम अभी जब बच्चे का जब रिजल्ट नहीं आएगा तो बहुत ही वो हो अरे जाएगा। मैम, मैं अपनी बात कर रही हूँ, इट डजेंट मीन आई मीन टू से अदर टीचर्स आर नॉट वर्किंग, ठीक है? नो नो, आई एम टेलिंग फॉर एवरीबॉडी। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, मैं अपनी बात इसलिए करती हूँ, मुझे दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं खाली अपने बारे में कह सकती हूँ, मुझे इश्यू नहीं बनाना है किसी भी विषय पर ना, इसलिए मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है?
I don't mean to say anything else about any other teacher. Neeta ma'am is HOD and principal is head of the institute. So whatever you want to say regarding college or regarding department, you can tell them. I am subject teacher for paper 5 and paper 8, so you can tell your problems related to paper 5 and 8 to me. No doubt. मैम मालूम है आपको मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं सोचा आप अंडरस्टैंड करते होंगे। नहीं नहीं अंडरस्टैंड तो मैं सब कुछ करती हूँ, बट कुछ चीजें मैंने तुम्हें नोट्स इमिडिएटली दिए हर टॉपिक के, किसी भी टॉपिक को पीछे नहीं छोड़ा था मैं, ये खाली ये बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, हम लोग को एटलीस्ट आपने लिख लिख के एक्सप्लेन भी करवाया था बहुत सारी चीज। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि एग्जाम कभी भी हो सकते हैं दिसंबर में, बोला था कि नहीं? हाँ वो बोला था मैम। फिर बहुत भारी पड़ रहा है मैम, खत्म ही नहीं हो रहा है, एमसीक्यू भी नहीं बना पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। मैं ये एक्सटेंशन का टॉपिक हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है? इतना मैं, हाँ मैम, हाँ मैम, थैंक यू सो मच। मैं बाकी चीजों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मेरे हाथ में मैं वो कर सकती हूँ। हाँ मैम, That can I do, but other things I can't do. I am also, I have also my limitations as a teacher. ठीक है? नहीं होता ना तो at least college चालू कर देना चाहिए था, at least हम लोग कुछ ना कुछ तो करते, बैठ बैठ घर पे ना बैठने की वजह से बहुत difficult हो रहा है। अभी वो सब मैं कुछ नहीं कर सकती प्रगति, I can help the way I can, बस। Yes ma'am. उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा स्कैंशन का तो मैं रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है मैम। अभी फर्स्ट फर्स्ट यूनिट तुमने कर ली है, उसके लिए तुमने क्लास टेस्ट में भी अपीयर हुए, इंटरनल में भी अपीयर हुए, तो फर्स्ट यूनिट तो तुम कर ही सकते हो। हाँ फर्स्ट यूनिट तो कर ही सकते हो। ठीक है ना, फिफ्थ यूनिट में अभी करवा ही रही हूँ, ठीक है? सेकेंड और सॉरी फोर्थ यूनिट में अभी करवा ही रही हूँ, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट का मैं रिवीजन करवाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी किस तरह से करना है। तब तक तुम नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ना छोड़ना नहीं। इज इट क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, पढ़ ही रहे पूरा दिन। हाँ, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं मैम, पढ़ना तो पड़ेगा, कर रहे बस 24 hours बहुत कम पढ़ रहे, वरना पूरे पूरे दिन 4 बजे उठ के भी पढ़ते है, क्या करे। ठीक है, सब पढ़ते, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में थी तो पढ़ती थी। नहीं बट मैम तब कोरोना नहीं हुआ था ना मैम, इतनी तकलीफ थोड़ी ना थी। तुम्हें नहीं मालूम ना कोरोना नहीं हुआ, बट दूसरी चीजें होती है ना लाइफ में। हम जब मैं एमए में थी तो फ्लड आ गया था फर्स्ट ईयर में, तो हमारे लेक्चर्स ही नहीं हुए थे, अक्टूबर तक तो कॉलेज ही स्टार्ट नहीं हुआ था, समझी? यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स ही नहीं हुए थे अक्टूबर मंथ तक तो। क्लियर? और एग्जाम एज यूजुअल अपने टाइम पे हुआ था, उन्होंने हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया था। सेकेंड ईयर में गए एमए पार्ट टू में तो एकेडमिक स्ट्राइक हो गई, उसकी वजह से 5 महीने कॉलेज बंद था। नहीं मैम क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी बंद थी तो हमने खुद से ही पढ़ाई की, हमें तो टीचर ऑनलाइन लेक्चर भी नहीं था तभी। अभी सेकेंड इंटरनल्स देते ना मैम दिसंबर में, तो आराम से हो जाता। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो आई कांट डू एनीथिंग इन दैट मैटर, एंड डोंट वेस्ट टाइम फॉर दैट। ओके, यू हैव टू टेल टू प्रिंसिपल और एचओडी व्हाटएवर यू वांट टू टेल। मैं बार बार रिपीट मत करवाओ मेरे से ये स्टेटमेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, yes ma'am. So what we are supposed to do, we were doing scansion. तुमने वो याद किया आयम्बिक फुट क्या है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस क्या है, मीटर क्या है, किया सब? हाँ मैम, तो मैम हाँ थोड़ा थोड़ा किया। हेलो, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। यस, हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें कुछ लाइंस करवा रही थी ना कि आयम्बिक पेंटामीटर ये वो, ठीक है? तो
let us do. Suppose I say they went to college. Okay, is it clear? So what is they? They is pronoun, so it will be unstressed, correct? Went is verb, so it will be stressed. To is unstressed. College, कितने सिलेबल है कॉलेज में? एक. हाँ, एक ना, एक है कॉलेज. टू सिलेबल. विच विल बी स्ट्रेस्ड? को. को कॉलेज, ऐसे हो गया. ठीक है, अब इसको वो करो, डिवाइड करना है. कॉलेज में दो सिलेबल है. विच विल बी स्ट्रेस, दैट यू हैव टू डिसाइड. प्रोनाउंस इट वेल, देन यू विल कम टू नो. यस प्रगति, समझ आया कुछ? यस मैम. कॉलेज में कितने सिलेबल हैं? दो. दो है. कौन सा स्ट्रेस होगा? यस कॉलेज. हेलो, विच विल बी स्ट्रेस्ड मैम? लेज विल बी स्ट्रेस्ड. हाँ, लेज विल बी स्ट्रेस्ड. मैम कॉलेज के वर्ड में पूछा ना, कॉलेज के वर्ड में पूछा ना, कॉलेज वर्ड में पूछा ना आपने. हाँ तो लेज वाल को लेज, सो को विल कॉलेज. हाउ डू यू मैम? को विल बी को. हाउ यू विल डिवाइड इट नाउ इन द लाइंस? दे वेंट टू कॉलेज. ठीक है, इस तरह से डिवीजन होएगा. अभी सपोज उसके आगे मैं और लिखती हूँ, दे वेंट टू कॉलेज इन अ बस. ठीक है, तो इन क्या है? प्रेपोजिशन है ना, तो अनस्ट्रेस. अ क्या है? बस विल बी स्ट्रेस. तो और डिवाइड करेंगे तो ये कैसे बनेगा? इस ऐसे. ठीक है ना, they went to college in a bus. तो कितने सिलेबल हुए? कितने फुट हुए? एक, दो, तीन, चार. इज इट क्लियर? जो अनस्ट्रेस्ड है ना. हाँ, अनस्ट्रेस्ड है वो चार फुट हो जाएंगे ना. चार फुट, एक फुट ये है, एक फुट ये है, दो, एक फुट ये है, तीन. टोटल कितने फुट हुए? चार. तो ये कौन सी लाइन हुई? टेट्रामीटर. ठीक है ना, इसमें मेन फुट कौन सा है? आयम्बिक. आयम्बिक टेट्रामीटर लाइन हो गई है. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस आई एम फुट है. अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस आई एम फुट है. ये एक पेर ही के, बाकी तीन कौन से है? आयम्बिक है. तो मेजोरिटी किसकी है? आयम्बिक की. तो ये आयम्बिक टेट्रामीटर लाइन हो गई. ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम. हाँ, तो आपको ऐसे ही हर लाइन का करना होता है. जब 60 मार्क्स का पेपर होता है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता, तो पूरा एक स्टेंजा दिया होता था और स्टेंजा वाइज आपको पूरा करना पड़ता था. अभी स्टेंजा नहीं आएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो एक एक लाइन आएगी. एक लाइन के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि इस लाइन में कौन सा फुट है और कौन सा मीटर है. ठीक है, इज इट क्लियर? प्रगति Yes, ma'am.
क्लियर हुआ? एक लाइन आएगी अभी एग्जाम में, पूरा स्टेंजा नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम है ना अभी। तो मैम ऐसा आएगा कि कॉलेज में कितना स्ट्रेस हुआ, ऐसा आएगा? ऐसा नहीं, एक लाइन आएगी पूरी, अच्छा, फिर दे वेंट टू कॉलेज इन ए बस, ऐसे एक लाइन आएगी, समझी? नॉट स्टेंजा, मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने अभी तुम्हें कल स्कैंशन का दिखाया था ना, ये अगर स्कैंशन हम वैसे करते तो क्या होता स्कैंशन? ये है ना स्कैंशन, ये ठीक है। हाँ मैम, ये अपने, हाँ तो मैम, इसमें मैंने तुम्हें एक पूरा स्टेंजा दिखाया था, ये दो लाइंस हैं, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक एक दो लाइन है, ये दो लाइन है, बट ऐसे स्टेंजा आता है ना स्कैंशन में, अदरवाइज 60 मार्क्स का पेपर, 15 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते, तो ऐसे स्टेंजा आता था, पूरे स्टेंजा में आपको स्ट्रेस अनस्ट्रेस सिलेबल मार्क करना पड़ता था, फिर फुट मार्क डिवीजन करना पड़ता था, फिर बताना पड़ता था कि कितना इसमें वो है, ठीक है? इज इट क्लियर? समझ आया क्या? बट अभी तुम्हें आएगा, इसमें राइम स्कीम भी बतानी पड़ती है, तो राइम स्कीम तो तुम्हें मालूम ही है, जैसे क्वीवर शिवर, तो ए ए ठीक है ना, फिर फोर एवर रिवर बी बी, या अगर ए ए भी रखते हो कंटिन्यू, क्योंकि लास्ट वर्ड्स ए ए ए ए बी 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 सी 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 डी क्या है इसका, हाँ ए ए ए बी सी 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 बी बी दिया इसने, इसका डी शैलट, हाँ कैमलोट है ना बी, हाँ आया समझ? तो राइम स्कीम का क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर रन ऑन लाइंस क्या होती है? रन ऑन लाइंस होती है जब भी ये स्टेंजा के बाद, इसमें क्या है लास्ट में, हर लाइन के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क है या नहीं, आपको ये देखना है, ठीक है? अगर लास्ट में पंक्चुएशन मार्क है तो ये एंड स्टॉप लाइन होगी, अगर लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो वो रन ऑन लाइन होगी, तो वो आपको सब मालूम होना चाहिए, रन ऑन लाइन क्या होती है, एंड स्टॉप लाइन क्या होती है, ठीक है? समझ आ रहा है कुछ? नहीं नहीं आ नहीं नहीं ये बात नहीं समझ आई। रहा? नहीं, वो मैं बताऊंगी, मैं खाली बता नहीं रही हूँ मैम, कि अभी एमसीक्यू में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं स्कैंशन से, वो बता रही हूँ। एक सिंगल लाइन आएगी, उसमें आपको स्कैंशन मार्क करना है, मतलब स्कैंशन, एक सिंगल लाइन का स्कैंशन करना है, स्टेंजा नहीं आएगा, जैसे पहले स्टेंजा आता था ना, अगर तुमने सिलेबस पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ हाँ स्कैंशन में 6 से 8 लाइन का एक स्टेंजा आएगा या 10 लाइन का एक स्टेंजा है, ऐसे दिया रहेगा सिलेबस ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं स्टेंजा नहीं दे सकती एज ए टीचर या एज एन एग्जामिनर या पेपर सेटर, आई विल गिव यू सिंगल लाइन, ठीक है? आया समझ? हाँ मैम, और इसलिए मैं सिंगल लाइन का ही, और फिर आपको बाकी चीजें राइम स्कीम वगैरह के लिए मैं 3 4 लाइन दे सकती हूँ, और आपको पता कर सकती हूँ कि इसमें राइम स्कीम क्या है, ठीक है? अंडरस्टूड? हेलो, ये क्या है? ए बी सी डी सी डी। हेलो मैम, हाँ हेलो हाँ क्या, हेलो हाँ सुन रही हूँ, बोल। मैम, वो क्या था? मैम वो क्या राइम था? ए बी बी सी सी डी वाला जो था वो क्या है? राइम स्कीम, राइम स्कीम है। अरे अभी एक पोयम तो लेंगे, उसका अपुन भी मैम कुछ चाहती अभी एक पोयम होती है, है? अपुन अच्छा ठीक करते है, हैं कोई पोयम, तो उसमें राइम स्कीम नहीं बताते क्या पोयम का? तूने हाँ वो मैम, स्पेंसेरियन स्टेंजा, मिल्टोनिक स्टेंजा किया हुआ है ना, हाँ मैम की है। तो उसमें राइम स्कीम नहीं मालूम तुझे, ए बी बी जो भी हाँ है वो है, बस इसमें कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे निकालेंगे वो कैसे, कुछ? जैसे उसमें करते हैं वैसे इसमें करेंगे, राइम स्कीम का फॉर्मूला अरे स्टेंजन मैम, में अलग थोड़ी ना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फिर ऐसा नहीं पूछ रही हूँ। क्या ऐसा पूछ, बोलने का मतलब नहीं है मेरा। मेरा बोलने का क्या मतलब ये है
जैसे भी हम लोग वहां पे पहचान लेते कि जैसे एक एक लाइन रिपीट हो रही है, तो ये शेक्सपियरियन है, ये इटालियन है, अरे ये उसमें सेंसेरियन है, शेक्सपियरियन, बराबर। तो अभी इसमें उसमें शेक्सपियरियन और इटालियन नहीं लिखना है आपको, खाली राइम स्कीम बतानी है, ठीक है? इज अच्छा इट ठीक है, क्लियर? यस मैम। ये तुमने ये लाइन नोट कर ली? हाँ मैम, नोट कर ली। हाँ, तो अभी मैं तुम्हें और करवाती हूँ आगे। अभी मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, तुम राइम स्कीम के बारे में पूछ रही हो ना, तो जैसे अभी मैंने तुम्हें टेक्स्ट पढ़ाई थी तो तभी बताई तो थी राइम स्कीम कैसे होती है। ये हाँ मैम, देखो, अभी पढ़ाई से। मैं शील्ड ऑफ एक्लिस का एक स्टेंजा लेती हूँ, फिर उसमें राइम स्कीम बताती हूँ, ठीक है? अभी क्या है, ये दिख एक मिनट, जूम करने रहा है? में। हाँ हाँ मैम, शोल्डर ट्रीज सिटीज सीज मेटल इंस्टेड डार्कनेस लेड। तो शोल्डर का कोई राइम स्कीम इस लाइन में है नहीं, करेक्ट? ट्रीज का नहीं। सिटीज है, तो ये ए हो जाएगा, शोल्डर ए, ट्रीज बी, सिटीज बी, सीज बी, मेटल डी, सी सी, ए बी सी, ठीक है? इंस्टेड डी, वाइल्डनेस ई, लेड डी, ऐसे। टाइम स्कीम का मतलब है आपको ये देखना है कि सेम राइम राइमिंग वर्ड्स मालूम है ना, सेम साउंड्स से एंड होने वाले। हाँ, अभी इसमें ब्राउन, इसमें सपोज तू इस स्टेंजा में डाउन, नीचे ब्राउन का, नीचे डाउन हो जाएगा। ब्राउन को ए देती है तो डाउन को भी हेलो, ए ही देगी ना। हेलो, ब्राउन के लिए हाँ, आप ए यूज बट मैम कर रहे हो, डाउन का, ब्राउन का डाउन हो। ब्राउन और डाउन के लिए आप हाँ ए यूज करोगे, हुड के और स्टूड के लिए बी यूज करोगे, करोगे ना? राइमिंग हाँ वर्ड्स मैम, है ना? करेंगे। हाँ हाँ, तो फिर उसी से करेंगे। राइम स्कीम बनती है ना, ए बी ए बी। आया समझ? हाँ मैम, आ गया समझ। ठीक है, सबको समझ आ गया राइम स्कीम? यस मैम, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? नो? यस। तो अभी मैं इस सिमिलरली एंड स्टॉप लाइंस क्या होती हैं? अभी देखो, ये स्टेंजा है ना, इसमें शोल्डर के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, करेक्ट? है? नहीं। नहीं है। तो ये लाइन क्या कहलाती है? रन ऑन लाइन। क्या कहलाती है? रन ऑनलाइन याद रखो। मैम वो सेंटेंस रिपीट करो ना, थोड़ा सा लिख लेते, बोलो आप। मैं टाइप ही कर रही हूं ना, रन ऑन लाइन, ठीक है? द लाइन आफ्टर विच नो पंक्चुएशन मार्क इज देयर इज नोन एज रन ऑन लाइन, ठीक है? लाइन विच आफ्टर विच लाइन ऑफ पोएट्री आफ्टर विच नो पंक्चुएशन मार्क इज यूज इज नोन एज रन ऑन लाइन, ठीक है? यस जिसके बाद में पंक्चुएशन मार्क है उसको क्या बोलेंगे? एंड स्टॉप लाइन। इज इट क्लियर? आया समझ? मैम, रन ऑन लाइन आफ्टर विच नो पंक्चुएशन मार्क इज देयर इज रन ऑन लाइन, करेक्ट? तो मैम ऐसा भी पूछ सकते हैं ना एमसीक्यू में, जहाँ पे पंक्चुएशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे पंक्चुएशन नहीं होगा उसको क्या अरे मैं बोलते हैं। बताऊंगी कैसे पूछूंगी मैं, ठीक है? अभी तू खाली इतना समझ कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है? हाँ मैम, ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ मैम, एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा? एमसीक्यू का मतलब है आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है, ठीक है? जैसे आपने इंटरनल्स में और क्लास टेस्ट में किया था वैसे, ठीक है? मैम, अंडरस्टूड? तो शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, तो ये रन ऑन लाइन है, और वाइन्स एंड ऑलिव ट्रीज ये है एंड स्टॉप लाइन। अभी थर्ड लाइन क्या है?
थर्ड लाइन कौन सी लाइन होगी, रन ऑन या एंड स्टॉप? रन ऑन, रन रन ऑन, करेक्ट। फोर्थ लाइन कौन सी है? एंड स्टॉप लाइन, एंड स्टॉप लाइन, करेक्ट। फिफ्थ लाइन, सिक्स रन ऑन, फिर रन ऑन, रन ऑन, रन ऑन। एट लाइन कौन सी है? एंड स्टॉप। क्लियर, ये क्लियर हुआ सबको? राइम स्कीम क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ मैम, ठीक है। तो आपको समझ आया ना कि रन ऑन लाइंस क्या होती है एंड स्टॉप लाइन क्या होती है सबको? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? राइम स्कीम क्लियर हो गया? अभी जैसे ये थर्ड स्टेंजा लेते हैं हम सपोज, तो इसमें फेस को ए देंगे तो जस्ट को क्या देंगे? बी। तो प्लेस को वापस ए, ठीक है। फिर डिस्कस को सी, डस्ट को बी, जस्ट और डस्ट सेम है ना, बी। बिलीफ को डी, डी, और ग्रीफ को भी डी, डी। आया समझ? तो इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या हुई? ए, ठीक है, कैपिटल में लो या स्मॉल में लो, ए बी, ठीक है, फिर ए, करेक्ट, फिर सी, सी, हाँ, उसके बाद डी, बी, जस्ट एंड डस्ट सेम है ना, बी, करेक्ट, फिर डी डी। Is it clear? Yes. सबको क्लियर हो रहा है? ये सबसे इजी चीज है, रन ऑन लाइन, राइम स्कीम। नोट किया आपने राइम स्कीम एंड रन ऑन लाइन एंड स्टॉप लाइन्स? Is it clear to everyone of you? आया समझ सबको? Yes, sir. So understood na how to find out the rhyme scheme and how to find out the तुम्हारे लिए तो पेपर का सिस्टम एक्चुअली बहुत इजी हो गया। डिस्क्रिप्टिव में लिखना आसान नहीं होता, एमसीक्यू में तुम्हें क्या मेहनत करनी है ज्यादा। सब आंसर तो तुम्हारे पास लिखा ही आएगा, खाली यही फाइंड आउट करना है विच आंसर इज करेक्ट ना। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? अंडरस्टूड एंड स्टॉप लाइन, रन ऑन लाइंस, राइम स्कीम। उसके बाद अभी स्कैंशन में और क्या आपको जानना जरूरी है? स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, मार्किंग द फुट, डिवाइडिंग द लाइन इनटू फुट एंड देन टेलिंग द मीटर। तो ये मैंने आपको सब बता दिया। मोनोमीटर इज वन फुट, वन फुट होगा जिसमें वो लाइन मोनोमीटर है। डायमीटर टू फुट, ट्राईमीटर थ्री फुट, टेट्रामीटर फोर फुट, ये मैंने लिखवाया था आपको है ना व्हाइट बोर्ड पे। फिर कपलेट स्टेंजा ऑफ टू लाइंस, ठीक है, टर्सेट और ट्रिपलेट स्टेंजा ऑफ थ्री लाइंस, क्वार्टरेंस और क्वार्टेट, क्वार्टेट भी बोलते हैं इसको, क्वार्टरेंस एंड क्वार्टेट, और स्टेंजा ऑफ फोर लाइंस, क्विंटेन एंड क्विंटेट स्टेंजा ऑफ फाइव लाइंस, सेक्सटेन और सेक्सटेट स्टेंजा ऑफ सिक्स लाइंस, सेप्टेट स्टेंजा ऑफ सेवन लाइंस, ऑक्टेट स्टेंजा ऑफ एट लाइंस, नॉनेट स्टेंजा ऑफ नाइन लाइंस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेस मीटर, जो अभी मैंने बताया कि एक लाइन के बारे में हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन किसकी है। जब पूरा स्टेंजा आता है तो पूरे स्टेंजा में मेन लाइन जो है वो कौन सी है ज्यादातर, उसके हिसाब से हम बेस मीटर निकालते हैं, ठीक है। तो अभी आपको स्टेंजा तो आएगा नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए लाइन कौन सी है। तो ट्रोकाइड टेट्रामीटर, जैसे अभी इसमें विलोज, तो विलो में फर्स्ट अनस्ट्रेस सिलेबल है लोज, सॉरी विलोज में फर्स्ट स्ट्रेस्ड है फिर अनस्ट्रेस्ड है, फिर
स्ट्रेस डिफरेंस जैसे ऐसे करके ये कौन सा हुआ ट्रोकी फुट हुआ और कितने है एक दो तीन चार तो ट्रोकाइक टेट्रामीटर लाइन हो गई करेक्ट तो बेस मीटर वही है ट्रोकाइक टेट्रामीटर ठीक है इज इट क्लियर फिर ये मॉड्यूलेशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी मेट्रिकल पेक्यूलैरिटीज है रन ऑन लाइन एंड स्टॉप लाइंस ठीक है और ये सेजुरा सेजुरा के बारे में भी बताने वाली हूँ मैं राइम स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ठीक है तो थोड़ा थोड़ा हम डेली करेंगे क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं पूरा स्कैंशन करवा दूंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज है ना इसलिए मैं पूरा दिन में एक एक ही पॉइंट करवाती हूँ आपको स्कैंशन का इज इट क्लियर अभी बात रही तुम्हें एमसीक्यू के लिए कैसे पढ़ना है जो भी तुम्हें मैंने नोट्स दिए हैं उसमें मेन मेन आपको पढ़ना है तो आपको एमसीक्यू के लिए तैयारी हो जाएगी कैसे अभी सपोज मैंने आपको दिया है टॉपिक फंक्शन ऑफ लिटरेचर करेक्ट सॉरी ये नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर ठीक है इज इट क्लियर लिटरेचर इज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स दिखाई दे रहा है क्या शेयर हो रहा है नो मैम नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर अभी दिखाई दिया यस तो अभी आप इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं सपोज आपको आएगा लिटरेचर इज एन आर्टिक एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स ये इसमें से तो लिटरेचर इज डैश एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स फिर उसके नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है ठीक है आया समझ यस मैम फिर द वर्ड लिटरेचर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म डैश सपोज और तो उसके नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए इट्स लिटेरा फिर सपोज आएगा द वर्ड लिटेरा मीन्स डैश समथिंग इन डैश द वर्ड लिटेरा मीन्स समथिंग इन डैश सपोज ऐसे आता है तो आपको मालूम होना चाहिए समथिंग इन प्रिंट इज इट क्लियर आया समझ यस मैम तो इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं ना आप नोट्स पढ़ोगे ना नोट्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला मैं इतना बोल सकती हूँ खाली आपको नोट्स में से ही मतलब जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना तो उससे हटकर कैसे आ सकता है ना फिर आपको अगर आएगा नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर में कि व्हाट इज रोमांटिक फंक्शन ऑफ लिटरेचर व्हाट इज आपको मालूम होना चाहिए रोमांटिक फंक्शन ऑफ लिटरेचर क्या बोलता है आर्ट फॉर लाइफ से किज क्लासिकल फंक्शन ऑफ लिटरेचर या मॉरल फंक्शन ऑफ लिटरेचर ना आर्ट फॉर आर्ट से किज एस्थेटिक और रोमांटिक व्यू ऑफ लिटरेचर ना इज इट क्लियर तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए ना आपको बड़ा लग रहा है वो नोट्स तो छोटा करके पढ़ो उसको आपको नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बड़ा लग रहा है क्योंकि वो तीन टॉपिक है ना उसमें नेचर ऑफ लिटरेचर लिटरेरी क्रिटिसिज्म फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड क्वालिफिकेशन ऑफ क्रिटिक करेक्ट तीन टॉपिक है ना उसमें इसलिए वो 11 पेज हो गया है ना अंडरस्टूड अगर मैं छोटा देती और अगर तुमको डिस्क्रिप्टिव पेपर आता तो तुम बोलते मैडम कम पढ़ रहा है नोट्स ना इज इट क्लियर अभी नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेचर में आप कैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी उसी टाइप से क्रिटिसिज्म वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मींस जजमेंट क्रिटिकस या क्रिटिकोस मैंने तुम्हें पहले बताया है ना लेक्चर्स में करवाया है तो कि उसका मीनिंग क्या है किस वर्ड से डिराइव हुआ है बताया है ना
फिर जो डेफिनेशन है, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है, उसमें फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में क्या बताया है, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज एनालिसिस एक्सप्लिकेशन, है ना। तीन एम कौन से हैं, मैटर मैनर टेक्निक लैंग्वेज मीडियम जो भी है। और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कौन से हैं आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ आइडियलाइजेशन। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ क्रिटिक में क्या है, क्रिटिक की क्वालिटी वो मालूम होना चाहिए। गुड क्रिटिक मस्ट हैव सुपीरियर सेंसिबिलिटी, वाइड इरुडिशन, इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव, शुड नॉट बी इमोशनल, ठीक है, हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ फैक्ट, ये सब मालूम होना चाहिए आपको। आया समझ कैसे पढ़ना है? हेलो, कुछ समझ आया या नहीं आया? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो जो मैंने नोट्स दिए हैं उसी में से आपको पढ़ना है, इज इट क्लियर? यस मैम। और उसी में से पढ़ के आपको एमसीक्यू, अभी आपने फर्स्ट यूनिट के ऊपर इंटरनल टेस्ट दिया था तो आपको कुछ डिफिकल्ट लगा था उसमें? नहीं नहीं लगा था ना, तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे क्या एमसीक्यू के? नहीं थे ना। नहीं नहीं। तो आप डर क्यों रहे हो, फाइनल एग्जाम भी उसी टाइप का रहेगा ना, ठीक है, डोंट बी फियरफुल, अंडरस्टूड? यस मैम। सबको समझ आ रहा है? मैं सबके लिए बोल रही हूँ, किसी एक या दो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ। डोंट बी फियरफुल। देखो अगर आप नर्वस होके पढ़ोगे, कंफ्यूज होके पढ़ोगे, फियरफुल होके पढ़ोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। सो डोंट बी फियरफुल। व्हाट इज देयर, कोई आपको अंतरिक्ष में नहीं जाना है, ठीक है। यू हैव टू बी ऑन दिस अर्थ ओनली एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, इज इट क्लियर? प्रगति आ गई अभी, वो सुनाई दे रहा है तुझे? क्लास में है या गई? प्रगति आर यू लिसनिंग टू मी? तो आपको जो नोट्स दिए उसी में से पढ़ो आप, अंडरस्टूड? मैम आई एम देयर। तो तुझे आवाज नहीं सुन रही है, बोल नहीं पा रही है। हाउ टू अपीयर, हाउ टू, यू आर नॉट एबल टू हियर मी, ओके। सो यू अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। हाँ तो कैसे पढ़ना है, सबको समझ आ गया ना एमसीक्यू के लिए? यस मैम। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? Now because it is not descriptive paper, तो आपको डिटेल नहीं पता होगी, एक बार डिस्क्रिप्टिव तो चलेगा, बट आपको मेन मेन पॉइंट्स पता होने बहुत जरूरी है, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है ना? डिस्क्रिप्टिव पेपर आप कैसे लिखते हो, आपको ए टू जेड एवरीथिंग यू राइट इन डिटेल ना, बट आपको यहाँ डिटेल नहीं लिखनी है। आपको अगर आपको कंटेंट, अगर आपने नोट्स ध्यान से पढ़े हैं, फिर आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, तो अंडरस्टूड, कि आपको एमसीक्यू में चार ऑप्शन मिलेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू कैसे करना है। समझ आ रहा है या नहीं, कैसे पढ़ना है? अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है। आपका एग्जाम कब से शुरू है? 19 सो कितने दिन है?
आपको 2 वीक है, करेक्ट, आज को इंक्लूड करते हुए, है ना। तो आपके 6 पेपर हैं, तो आपको हर पेपर को प्रिपरेशन का टाइम मैक्सिमम आप कितना टाइम दे सकते हो हर पेपर के लिए? 2 दिन मींस, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 दिन। बट अभी आपको कैसे है, आपका फर्स्ट पेपर जो भी है उसके लिए आप 2 दिन बचा के रखो, बाकी पेपर आपकी मर्जी है। मैं खाली आपको, क्योंकि आपने बोला कि हम कैसे प्रिपेयर कर ले, इसलिए बता रही हूँ। बाद में ये नहीं बोलना मैडम हम आपके हिसाब से चले थे, ठीक है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। इज इट क्लियर? मैं खाली आपको हिंट दे रही हूँ। तो आप हर पेपर को मैक्सिमम 2 दिन दे सकते हो, करेक्ट, उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर करो। किसी को कोई पर्टिकुलर पेपर डिफिकल्ट लग सकता है तो उसको आप ज्यादा भी टाइम दे सकते हो, या किसी पेपर की आपने अच्छे से प्रिपरेशन पहले की है तो आप उसको थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हो। एक एक यूनिट तो आपने सब पेपर की प्रिपेयर ही की होगी ना, इंटरनल्स दिया है तो नहीं की होगी क्या? उसको तो रिवाइज ही करना है ना। और खाली पेपर 5 में आई थिंक 4 यूनिट्स है, बाकी सब पेपर्स में तो 3-3 यूनिट्स ही है ना। हेलो, पेपर 8 के लिए भी बताऊं क्या कैसे पढ़ना है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। पेपर 8 के लिए बताऊं कैसे पढ़ना है? यस मैम। बोलोगे कि उसमें भी बहुत सारे नोट्स बड़े बड़े हैं पोएम के, वो तो मैंने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ना। अभी ये पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रहा है, हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम जब तक हो तब तक अनलॉक हो जाए कम्प्लीटली, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हो सकता है आपको डिस्क्रिप्टिव हो, फिर आप क्या करोगे, करेक्ट? यस मैम। तो आपको पढ़ना तो डिस्क्रिप्टिव में ही पड़ेगा ना, एमसीक्यू आपको, एमसीक्यू इजी है एक्चुअली, एमसीक्यू में पास होना मार्क्स लेना बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। अभी सपोज आपको ये है विल्फ्रेड ओवेन का है स्ट्रेंज मीटिंग, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है विल्फ्रेड ओवेन का स्ट्रेंज मीटिंग? आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेंज मीटिंग में विल्फ्रेड ओवेन किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इट इज ए पोएम अबाउट वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, करेक्ट। अ सोल्जर इज मीटिंग अनदर सोल्जर, है ना, ठीक है ना। फिर व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द पोएम, इट इज ए शॉर्ट एलेजी, ठीक है, विच टाइप ऑफ पोएम इट इज। फिर उसमें वो स्ट्रेंज मीटिंग में क्या बोलता है एक पोएट दूसरे पोएट को, व्हाई द टाइटल इज स्ट्रेंज मीटिंग, इतना थोड़ा थोड़ा भी मालूम होएगा बहुत। अभी जैसे आप नोट्स लिखते हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हो तो आपको हर बात ध्यान में रखनी पड़ती है डिटेल में ना, आपको कोई हिंट नहीं मिलता ना। बट एमसीक्यू में तो आपके पास 4 ऑप्शन है ना हिंट आपको दिए हुए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है एक, करेक्ट या नहीं? बट बिना पढ़े वो भी नहीं कर सकते, सब चीजों के लिए मैं रिवीजन करवा दूंगी, इस पोयम के लिए और उस पोयम के लिए, क्या सब चीजों के लिए करवा दूंगी। स्कैंशन खत्म होने दो, एक एक दिन दोनों पेपर्स रिवीजन के लिए ले लूंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, पढ़ना तुम्हें है, एग्जाम के लिए अपियर होना तुम्हें है, मैं खाली तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड हाउ टू डू थिंग्स। I can revise, I can do things for you, no problem. But I can't do what you are supposed to do. Na? तुम्हारा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, पढ़ने का, एग्जाम में अटेम्प्ट करने का, मैं खाली तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ एग्जाम के लिए। इज इट क्लियर? बट नोट्स तो तुम्हें ही पढ़ने पड़ेंगे ना? यस मैम। करेक्ट या नहीं है? एग्जाम का लिंक भेजेंगे तो एग्जाम के लिए ओपन तो तुमको ही करना पड़ेगा ना, मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ तुम्हारी जगह। यस मैम। है ना, दैट यू हैव टू डू, आई कैन जस्ट हेल्प यू हाउ टू मेक थिंग्स क्लियर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, ऑल दीज थिंग्स आई कैन हेल्प यू। इज इट क्लियर? यस मैम। सबको समझ आया कैसे प्रिपेयर करना है? अभी टेंशन दूर हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं थोड़ा बहुत मैम. हाँ थोड़ा बहुत ही, मैं 100% नहीं कर सकती, सॉरी. दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी. इज इट क्लियर? अभी तुम लोग 18 प्लस हो गए हो ना? हाँ मैम. तो 18 प्लस होने का मतलब है यू हैव टू हैंडल योर लाइफ योरसेल्फ, अदर्स कैन जस्ट गाइड यू, यू आर नॉट नर्सरी किड्स. ठीक है ना? तो आई एम हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम. आई कैन मेक रिवीजन फॉर यू, आई कैन रिवाइज थिंग्स फॉर यू, आई कैन हेल्प यू. एक एक चैप्टर करो हर पेपर में से ना, एक एक दो दो चैप्टर या एक यूनिट को आपको कितने दिन चाहिए वो आप देखो. हर एक की स्टाइल ऑफ रीडिंग, स्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो डिफरेंट ना. हर एक का हर कुछ अलग अलग रहता है ना, समझे क्या? हाँ मैम. तो मैं तो खाली तुम्हें यही बता सकती हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है. अभी तुमने लास्ट ईयर कौन सा नॉवल पढ़ा था? अनिता देसाईज फास्टिंग फीस्टिंग, करेक्ट? कौन सी पोएम्स पढ़ी थी उसके बेस पे तुम्हें समझाती हूँ. सपोज तुमने अनिता देसाई का फास्टिंग फीस्टिंग पढ़ा था, उस पे आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे या टाइटल ऑफ द नॉवल पे, तो आपको 15 मार्क्स का 3 पेज खुद ही लिखना पड़ता था ना, करेक्ट? आपको कोई हिंट था? नहीं था. अभी आपको एमसीक्यू के रूप में आएगा तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है. अगर आपने नोट्स ध्यान से पढ़े तो यू कैन डू इट इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? सो डोंट बी पैनिक्ड, डरने का नहीं. बट मैम उसको पता भी तो रहना चाहिए ना तब. क्या? पर मैम आप तो सामने थे ना पढ़ाने के लिए, अभी तो कोई है भी नहीं. अरे तो मैं ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ ना, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ? खाली मैं दिख नहीं रही हूँ ना तुम्हें, बाकी तो मैं करवा ही रही हूँ ना सब कुछ. पहले स्ट्रेस तो क्या आते थे. ठीक है मैं एंड करूँ मीटिंग अभी. हेलो, कैन आई एंड द मीटिंग नाउ? यस मैम. ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम.